धनबाद में बागमारा से बीजेपी के विधायक ढुल्लू मेहतो और जेएमएम के विधायक समर्थकों के बीच में झड़प हो गई। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र की शैली आउटसोर्सिंग कंपनी में दोनों विधायकों के समर्थकों में आपस में मारपीट हो गई। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के समर्थकों में मारपीट हुई। फिलहाल स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। शैली आउटसोर्सिंग कंपनी में जेएमएम के कार्यकर्ता नियोजन की मांग को लेकर कंपनी में काम बंद कराने के लिए गए थे। दरअसल शैली आउटसोर्सिंग कंपनी बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक चलाते हैं। ऐसे में ढुल्लू के समर्थक कंपनी में काम को चालू कराने पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच तू तू मैं होने लगी। धीरे धीरे बात हाथापाई पर पहुंच गई और दोनों समर्थकों में जमकर मारपीट हो गई। देवघर में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने स्कूल चले अभियान के लिए रथ को रवाना किया। इस मौके पर रणधीर सिंह ने कहा कि झारखंड के स्कूलों में अब हालात बदलने वाले हैं। कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि साल 2018 तक सभी स्कूलों में बच्चे बेंच और डेस्क के साथ पढ़ेंगे और इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दे दी। इसके साथ ही राज्य सरकार 18,000 शिक्षकों की बहाली भी करने जा रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि गांव के विकास को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया कि 14वें वित्त आयोग ने 2,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ग्राम पंचायतों को सीधे भेजने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबों के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत राशि बढ़ाकर प्रति लाभुक 1.5 लाख रुपए करने की भी बात कही। सूखे पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश के 10 राज्यों ने खुद को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। सूखे से निपटने के लिए उनके मंत्रालय ने 823 करोड़ रुपए जारी भी किए हैं। बीजेपी ने गुड्डा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। देवघर में राज्य के श्रम मंत्री राज पलिवार ने कहा कि रघुवर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उससे लोग काफी खुश हैं और बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल करेगी। चुनाव आयोग ने कल गोड्डा और पाकी उपचुनाव का घोषणा किया। भारतीय जनता पार्टी गोड्डा और पाकी चुनाव के लिए एकदम पूरी तरह तैयार है। गोड्डा उपचुनाव की तैयारी तो हम बहुत पहले से शुरू कर चुके हैं और दावा है मेरा कि गोड्डा जैसे पिछले आम चुनाव में हम जीते थे उससे ज़्यादा मतों से अब की बार हम गोड्डा उपचुनाव जीतेंगे और साथ ही साथ बाकी विधानसभा जो उपचुनाव होने वाला है बाकी को हम जीतेंगे। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बोकारो जिले के प्रभारी पदाधिकारी एसएन उपाध्याय ने 2 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दोनों रथ जिले के विभिन्न पंचायतों में जाकर लोगों को कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। दरअसल 24 अप्रैल को पीएम मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं जहां वो अखिल भारतीय पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के दौरे को लेकर जमशेदपुर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लेगी। बुधवार शाम एसपीजी के 4 अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल और एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे जिसमें देश भर से पंचायत प्रतिनिधि जमशेदपुर पहुंचेंगे। रांची में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक महिला से बैग छीनने की कोशिश की। अपराधी काफी दूर तक महिला को घसीट कर ले गए। इस दौरान वहां पुलिस की टीम भी मौजूद थी। यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। दरअसल अपराधियों ने महिला से बैग छीनने की कोशिश की लेकिन महिला ने बैग नहीं छोड़ा और वो तेज रफ्तार बाइक के साथ सड़क पर 50 मीटर तक घिसटती चली गई लेकिन पुलिस वारदात के बाद हरकत में आई। बोकारो में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरोह का सरगना अभी भी फरार है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सारे अपराधी शातिर हैं और कई मामलों में पुलिस को इनकी तलाश थी। दरअसल इलाके के नवाडी थाना क्षेत्र के डुमरी फुसरो रोड में 6 अप्रैल को एक बाइंडिंग तार के बंडल से लड़े टाटा 407 को अपराधियों ने लूट लिया था। इससे लूटकांड के बाद पुलिस ने लगातार तपिश दी और इसी कड़ी में 6 अपराधियों को धर दबोचा गया। लातेहार में कई जगहों पर जंगल में आग लगने की खबरें लगातार सामने आ रही है। वन विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद कुछ लोग निजी फायदे के लिए जंगलों में आग लगा रहे हैं जिससे जंगल में कीमती लकड़ी धू धू कर जल रही है।
हालांकि अधिकारी इसे रोकने के लिए प्रचार प्रसार का सहारा ले रहे हैं। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से झारखंड के कोडरमा के लोग परेशान हैं। यहां सार्वजनिक जगहों पर भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की किल्लत रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिल रही है। स्टेशन पर सभी चापाकल सूख गए हैं। गर्मी की वजह से नल से भी पानी की सप्लाई ठप है। इस कारण यहां बोतल में पानी भरकर बेचने वाले लोगों से मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। हालांकि रेलवे प्रबंधन का कहना है कि स्टेशन परिसर में जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है और दूसरी ओर मंत्री की गाड़ी की सफाई के लिए कई लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। मंत्री जी और उनके कर्मचारी पानी की किल्लत को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। देश के विख्यात सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी और दामोदर नदी का संगम खतरे में है। हालात ये हो गए हैं कि यहाँ भैरवी नदी पूरी तरीके से सूख चुकी है और जिस संगम को देखने के लिए लोग यहाँ आते थे, अब उन्हें निराशा हाथ लग रही है। संगम स्थल के खत्म होने से श्रद्धालुओं और सैलानियों में आक्रोश है। दरअसल नदी के मुहाने को बंद कर डैम बना दिया गया, जिसकी वजह से कई दिनों से नदी में पानी नहीं आ रहा। मंदिर के पुजारी इस संगम के सूख जाने से चिंतित हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार ध्यान नहीं देगी तो वो लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति के फैसले को की भी समीक्षा हो सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के फैसले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने दलील दी कि राष्ट्रपति का फैसला कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सब कुछ न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने दाल के जमाखोरों को चेतावनी दी है। पासवान ने कहा है कि अगर कोई दाल की जमाखोरी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पासवान ने राज्य सरकारों से अपील की है कि दाल की कमी होने पर अपनी मांग राज्य सरकार के पास भेजें। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी 7 और 8 जून को अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। दरअसल अमेरिका के 4 सांसदों के एक समूह ने प्रतिनिधि सभा के स्पीकर से आग्रह किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री को संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाए। मोदी की 2 साल के भीतर अमेरिका की यह चौथी यात्रा है। पीएम मोदी का मोम का पुतला तैयार हो चुका है। इस पुतले को 28 अप्रैल को आम लोगों को देखने के लिए खोला जाएगा, लेकिन पुतले के अनावरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद लंदन नहीं जा पाएंगे। थल सेना और वायुसेना के बाद अब नौसेना में भी महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का फैसला लिया गया है। ये उन महिला अधिकारियों पर लागू होगा जो पहले से ही नौसेना में हैं। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। एक आतंकी की तलाश इलाकों में जारी है। सुरक्षा बलों को लुलाब इलाकों में 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया। बंबई उच्च न्यायालय ने बीसीसीआई को 1 मई को मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स का मैच पुणे में कराने की अनुमति मिल गई है। इस बार 21 जून को आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस चंडीगढ़ में मनाया जाएगा। पिछले साल पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस दिल्ली के राजपथ पर आयोजित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित हजारों जानी मानी हस्तियां शामिल हुई थीं।